काफी समय से रानू मंडल जी ने इंटरनेट पर धमाल मचाया हुआ है और अब शायद ही कोई ऐसा होगा जो उनको ना जानता हो। गौरतलब है कि रानू मंडल एक प्यार का नगमा है गाकर सबके सामने आईं और छा गईं और हिमेश रेशमिया ने उनको काफी सपोर्ट करते हुए उनको गाने का मौका भी दिया। अब पहली बार रानू मंडल पर लता मंगेशकर जी का पहला रिएक्शन आया है। उन्होंने INS से बात करते हुए कहा है कि अगर मेरे गाने से किसी का भला होता है तो मैं खुद को खुद किस्मत समझती हूँ। लता मंगेशकर ने इसके बाद यह भी कहा कि आप किसी की नकल करके फेमस तो हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ समय के लिए होता है। नए गायकों को सलाह देते हुए लता मंगेशकर का कहना था कि हमेशा ओरिजिनल रहो और खुद को साबित करो। तो वहीं लता मंगेशकर ने यह भी कहा कि आशा भोसले अगर अपने अंदाज में ना गाती तो मेरी कॉपी ही बन जाती। ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी बहुजन की आवाज को दबाया जा रहा हो, यह इस समाज की कड़वी सच्चाई है। अभी आपने देखा होगा कि बहुजन बेटी एक महीने में 5 गोल्ड मेडल जीत कर लाई, लेकिन सरकार की तरफ से उनको कोई खास तवज्जो नहीं मिला। तो वहीं PV सिंधु 1 गोल्ड मेडल लेकर के आई और सरकार ने उन्हें कंधे पर बिठा लिया और भरपूर इनाम भी दिए। अच्छी बात है, मिलने चाहिए, लेकिन यही हिमा दास के साथ भी होना चाहिए था। वहीं लता मंगेशकर को तो रानू मंडल की तारीफ करते नहीं थकना चाहिए था, लेकिन जातिवाद ने इस देश में अपनी जड़ें बहुत मजबूत कर रखी हैं। बहुजन हजारों सालों से इस जातिवाद को झेलते आए हैं और अभी भी ये समाज में बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।